तो दोस्तों नमस्कार, आज आइशर एंड वाल्वो के इंजन के लिए दो वेरिएंट्स के अंदर हम इंजन लेके आ गए हैं, जो कौन कौन सी गाड़ियों में, बसों के अंदर और डीसी जनरेटर के अंदर यूज़ होता है। तो ये 5 लीटर का इंजन है, तो इसकी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ जो जॉन डियर प्लस आइशर एंड वाल्वो के साथ में इंक्लूड है, जो इसका VS6 इंजन के अंदर बनता है। तो ये कंफर्म कर देता हूँ दोस्तों कि ये जो इंजन है, इसकी जो पावर जनरेट होती है 240 से 210 के आसपास 2200 आरपीएम में, और जो टार्क वैल्यू की बात करो तो इसमें 900 टार्क है, जो 1600 आरपीएम के साथ में काम करता है। और इसके अंदर जो खास बात है, तो ये जो VS6 इंजन है, जो VPD पीतमपुर प्लांट के अंदर इसका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो दोस्तों इसमें आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अंदर की। तो इसके अंदर जो है ये CIDI इंजन VS6 के साथ में प्रोवाइड है, और ये जो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग, AC, डबल अल्टरनेटर, 24 वाट के साथ में ये इंजन की जो खासियत है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग, क्लच प्लेट एंड काफ़ी टार्कफुल पावर इंजन है, जो बहुत ही बसों के लिए, जो स्लीपर बसें वगैरह चलती है उसके अंदर इंक्लूड रहता है। AC इसमें जो चिल्ड होता है, जो टर्बो चार्जर DC इंजन है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्बो चार्जर की हीटिंग चार्जर भी दे रखा है, जो जिससे हीट वगैरह को सपोर्ट करता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि इश्यू भी लगा हुआ है। यहाँ से जाएंगे तो आपको टर्बो चार्जर एंड ऑयल के पाइप एंड यहाँ पे ECU से जुड़ के यहाँ पे टर्बो चार्जर के नीचे आपको सेल्फ भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ये इंजन होते हैं, जो हाईटेक इंजन होते हैं, काफ़ी पावरफुल इंजन होते हैं, 210 किलोवाट होते हैं, 165 किलोवाट होते हैं, जो अलग अलग मॉडल के हिसाब से लगा जाता है। पर जो LPO इंजन होते हैं उनके साथ में दो अल्टरनेटर इसलिए इंक्लूड होते हैं क्योंकि इसके अंदर AC में एक अल्टरनेटर काम करता है और दूसरा बैटरी में, जो 12 से 24 वाट के अंदर ही होता है, 55 से 75 एम्पीयर के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो स्टेशनर टेम्पर पुल्ली के अंदर यहाँ पर AC के बेल्ट के लिए भी दिया है, तो इसका जो लुक आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, एक बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ में बना हुआ है। हाँ, थर्मोस्टेट देखने के बाद आपको फैन खुले मिल जाएगी यहाँ से, जो फैन इसमें इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है। और यहाँ पे हम DC जनरेटर की बात कर लेते हैं, जो दूसरा वेरिएंट्स में बता रहा था, जो बसों को छोड़ के बसों के अंदर भी यूज़ होता है। और वाल्वो की जो ये ऑयल कूलर है, जो डबल ऑयल कूलर एक पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न के साथ में लगा हुआ होता है। तो इसमें जो दो फिल्टर लगे हुए हैं, वो अंदर ही अंदर इसमें काफ़ा पावरफुल को ऑयल को फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। तो ये कॉमन रेल आ गए, इसी के नीचे यहाँ पे ऑयल पाइप और यहाँ से प्रेशर पाइप के भी इंगेज दिए हुए हैं। इसमें आपको कंप्रेसर मिलेगा एक पावरफुल, जो विंडोज़ को ओपन एंड बंद चालू करने के लिए। यहाँ पर FIP पम्प, ये फ्यूल पाइप एंड रिटर्न एंड आउट। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ये आइशर का लोगो आ गया यहाँ पे, इसकी ब्रांडिंग के साथ में ये ऑटो स्टेशनर, जिसको बेल को सपोर्ट देता है, ऑटोमेशन के साथ में काम करता है। यहाँ वाटर पम्प दे दिया है, जो वाटर पम्प काफ़ी बड़ा वाटर पम्प है, बारीक को लुब्रिकेट करने के लिए, जो ठंडा बनाए रखे। और इन प्लेटों के अंदर बारीक बारीक फिलिंग्स बनी हुई है, जिस ऑयल कूलर को, जो मतलब वाटर जो गर्म होता है, उसको काफ़ी आसानी होती है चिल्ड करने के लिए। इसकी जो डिज़ाइनिंग चेंजेस की है, वो काफ़ी सेफ्टी से किया गया है, एक एक पार्टों को इंगेज किया है, जो एक दूसरे पार्ट को डिसइंगेज ना होने दे, डिस्टर्ब ना होने दे, उस डिज़ाइन से इसमें इंजीनियरों ने डिज़ाइन किया है। काफ़ी बहुत बढ़िया इंजन के साथ कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, तो वेरी गुड बोलेंगे इसको। यहाँ पे रॉकर कवर के ऊपर भी इंजन की परफॉर्मेंस है, ये स्किनर होता है। यहाँ कंपनी की ब्रांडिंग आ गई है आइशर का लोगों के साथ में, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ये इंजन। और हम चलते हैं अब DC इंजन के साथ में, जो जनरेटर जो बोल रहा था मैं, उसको आप मैं दिखा देता हूँ इसकी क्या क्या RPMs वगैरह, एंड यहाँ पर आपको इसके पावर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये 6 सिलेंडर इंजन है, जो आइशर वाल्वो के नाम से कंबाइन कंपनी थी प्लस, इसमें जो इंजन की बता देता, पावर की बात करें तो 250 ASP की पावर जनरेट करता है 110 न्यूटन मीटर के साथ में। और ये एयर कूलिंग इंजन है DC। अब इसमें आपका बस कंप्रेसर नहीं लगता है, क्योंकि ये विकल्प नहीं होता है एक DC करंट जनरेट करने के लिए। ये सेम दिखेगा, यहाँ से आप ऑयल वगैरह चेक कर सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। ये DC जनरेटर के अंदर वाल्वो का इंजन बना हुआ है। तो इस इंजन की बात करें, 1600 RPM के पार में स्पीड है। और इसमें आपको यहाँ पे पाइप वगैरह देखेंगे तो काफ़ी प्लास्टिक पाइप जो है, बहुत हेवी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह जले ना गर्म हो,
और स्टार्ट करने की जो क्षमता है इसके 3 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और ये 24 पार्ट का इंजन है सेल्फ के साथ, इसका अल्टरनेटर भी 24 वाट का होता है। यहाँ से स्टार्ट एंड ऑफ करने का ऑप्शंस, यहाँ वाल्वों की वाइंडिंग, यहाँ से आप पंपिंग कर सकते हैं एयर इंजन के साथ में। इसी को इंजन के ऊपर ही फिट किया जाता है क्योंकि इसमें एयर लेने में काफ़ी आसानी होती है। और इसमें यहाँ से इंटरकूलर पाइप लगता है, यहाँ एयर फिल्टर के कुछ सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं जो इंजन की इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। ये टर्बोचार्जर DC इंजन, टर्बोचार्जर इंजन है जो डीजल के साथ में प्रोवाइड है 6 सिलेंडर के साथ में। वो काफ़ी इसको भी एक सेफ्टी कवर के साथ में इसको इंक्लूड किया है जो DC जनरेटर साथ में। यहाँ पे कूलेंट एंड अल्टरनेटर की वायरिंग वगैरह काफ़ी मजबूती के साथ में, क्लैंपिंग एंड रेगुलेटर के पाइप्स वगैरह इन एंड आउट के लिए काफ़ी बड़ा रेगुलेटर है जो 25 से 30 लीटर कूलेंट इसमें इंक्लूड हो जाता है एक लंबे समय के लिए DC को लुब्रिकेट करने के लिए। तो इस टाइप से ये चारों तौर से मैंने इनको आपको दिखाया है दोस्तों। तो ये इस DC इंजन के अंदर ये फिलिंग एंड इंटरकूलर का भी पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ कॉमन वेल एंड प्रेशर पाइप, इसके ऊपर आपको यहाँ पे फोर्स सेंसर्स एंड इसके साइड में आपको फ्यूल रिटर्न पाइप वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। ये कलर कलर पाइप का जो कलर होने से इसकी पहचान एक यही है, एक आउट है, इसके हिसाब से भी इसको लगाया जाता है। ये वाल्वो का DC जनरेटर इंजन आपको यहाँ पे आप दिखा देते हैं कि इस टाइप से ये वाल्वो का इंजन है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, बाय।